नमस्कार, पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे सलोनी को, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक बीस्ट मैन की कहानी जिसका नाम जिराज था। जिराज को एक आम लड़की निया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार का ये रास्ता इतना आसान नहीं है क्योंकि निया एक अलग दुनिया से आती है और जिराज पशु मानवों के बीच रहता है। क्या ये प्यार अपना मुकाम हासिल कर पाएगा? जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 1, द वाइल्ड। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि तेज चमकती हुई सूरज की किरणें भी जंगल के अंदर अपनी रोशनी नहीं बिखेर पा रही थीं। उसी जंगल में कुछ 40-50 जंगली भेड़ियों के झुंड ने एक लड़की को घेर रखा था। उसकी उम्र करीब 17 साल थी। निया बहुत घबरा रही थी, लेकिन उसने अपना बैग ऐसे पकड़ा था जैसे वो कोई हथियार हो। मेरे पास मत आना, मैं तुमसे ज्यादा खतरनाक हूं और मेरी नसों में खून नहीं जहर दौड़ता है। निया ने उन भेड़ियों को गीदड़ भभकी दी। वो घबराने के साथ साथ काफी दुखी भी थी। उसने सोचा नहीं था कि वीकेंड्स पर अपने दोस्तों के साथ माउंटेन ट्रैकिंग करने आने पर वो इतनी बुरी हालत में फंस जाएगी, ऐसी हालत जिससे निकल पाना बेहद मुश्किल था। वो काफी उलझन में भी थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था। उसके क्लासमेट जा चुके थे, सब कुछ बदल गया था। एक भेड़िया धीरे से गुर्राया और अपने पिछले पैर से जमीन खोदते हुए हमला करने की पोजीशन में आ गया। वो आगे बढ़ने से पहले अपनी आंखें घुमा रहा था जैसे वो किसी से डर रहा हो। इतना ध्यान देने के बावजूद भी वो आता हुआ खतरा महसूस नहीं कर पाया। पेड़ के पीछे कुछ तो था जो उन भेड़ियों को देख रहा था। जब उस भेड़िए ने कंफर्म कर लिया कि उसके शिकार को बचाने वाला कोई नहीं था, वो गरजा और निया की तरफ दौड़ने लगा। निया ने वही किया जो हर कोई करता है जब उन्हें डर लगता है। वो जोर से चिल्लाई, बचाओ! पलक झपकते ही एक तेंदुआ अचानक से निया के पीछे से जंप करता है। उसकी चीख खत्म हो उससे पहले ही निया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आवाज कुछ ही पल में पहाड़ों में गूंज जाती है। अचानक वो तेंदुआ निया के सामने आ जाता है। उसकी चीख के साथ तेंदुआ उसे एक पेड़ पर बैठा देता है। निया अभी भी शौक में थी। वो पेड़ की टहनी पर बैठे ऐसे हांफ रही थी जैसे वो किसी बड़े तने पर बैठी हो। वो तेंदुए को भेड़िए से लड़ते हुए बड़े ध्यान से देख रही थी। मुझे लेपर्ड ने बचाया है, ये जरूर कोई सपना है ना? उसने न्यूज में सुना था कि डॉल्फिन्स ने लोगों को डूबने से बचाया या कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाई, लेकिन उसने कभी नहीं सुना कि किसी तेंदुए ने इंसान को बचाया हो। फिर तेंदुआ जोर से दहाड़ता है और अचानक से भेड़िए पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। एक ही बाइट में वो भेड़िए को मार देता है। कुछ भेड़िए तेंदुए पर हमला करने की तैयारी में थे। ये देखकर निया का कलेजा मुंह में आ जाता है। फिर तेंदुआ दौड़कर अगले भेड़िए को मार देता है और एक ही पल में तीसरे को भी खत्म कर देता है। इतनी ज्यादा घेरेबंदी के बाद भी तेंदुआ अपने दुश्मनों पर हमला करने में कामयाब हो जाता है। वो इतना तेज था कि किसी भी भेड़िए को उस पर हमला करने का मौका ही नहीं मिला। वो जब जब तेंदुए के पास आते थे तब तब उनकी मौत आती थी। अभी तक उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, लेकिन निया निश्चिंत हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि तेंदुआ जीत ही जाएगा। जैसा कि सोचा था, करीब आधे घंटे बाद
तेंदुआ सारे भेड़ियों को मार देता है और बाकी के भेड़िये, जिनका अब कोई लीडर नहीं बचा था, वो भाग जाते हैं। निया पेड़ से जंप करने वाली होती है, तभी तेंदुआ उसकी तरफ देखता है। उसके मुंह से खून गिर रहा था। वो चमकती आंखों से उसे देखता रह जाता है। अगले ही पल में निया डर जाती है। अब वो खतरे में थी। फिर तेंदुआ दौड़ने लगता है और हवा में जंप करता है। फिर अचानक से वो तेंदुआ एक आदमी में बदल जाता है। वो लंबा और दुबला पतला था, लेकिन काफी फ्लेक्सिबल था। उसके भागते हुए पैर धीरे धीरे जमीन पर आते हैं। फिर कुछ ही छलांगों में वो पेड़ पर आ जाता है। उसकी चमकीली आंखें निया को देख रही थीं। बेहद खूबसूरत, कोई लड़की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? वो इंसान बना तेंदुआ उस जंगल के मासूम जीवों का राजा, खूंखार जिराज था। लेकिन आज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस जंगली के दिल को सूली पर लटका दिया हो। एक बात तो पक्का पता थी कि उसे उस लड़की से पहले नजर में प्यार हो गया था। निया अचानक उस तेंदुए को एक इंसान में तब्दील होता देखकर शॉक्ड हो गई थी, लेकिन फिर उस हैंडसम फेस ने उसे रियलिटी में पहुंचा दिया। निया पेड़ से गिरने लगी। ओह, ये तो एक आदमी बन गया। नमस्कार, पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी आरजे सलोनी को, और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक बीस्ट मैन की कहानी जिसका नाम जिराज था। जिराज को एक आम लड़की निया से प्यार हो जाता है, लेकिन प्यार का ये रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि निया एक अलग दुनिया से आती है और जिराज पशु मानवों के बीच रहता है। क्या ये प्यार अपना मुकाम हासिल कर पाएगा? जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। एपिसोड 2। मैं एक बंदर हूं। जिराज तुरंत उसका पीछा करता है। वो निया को बचा नहीं पाता है क्योंकि वो भी शौक में था, बहुत ही चिंतित होकर। लड़की के सामने डरते हुए वो पूछता है, तुम ठीक हो? निया के बाएं पैर में मूंछ आ गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस पर नहीं था। वो घबराते हुए उस आदमी को देख रही थी। वो इंसान करीब 18-19 साल का लग रहा था। उसका स्किन टोन ब्राउन कलर का था। उसके गाल पर बने पंजों के निशान जैसे टैटूज की वजह से वो जंगली लग रहा था। उसकी आंखें प्योर गोल्डन कलर की थीं। जब निया बीस्ट मैन को देख रही थी, तब वो भी निया को बड़े ध्यान से देख रहा था। निया के बारे में बेस्ट चीज थी उसकी फेयर स्किन। वो पहली नजर में इतनी सुंदर नहीं दिखी, लेकिन जब उसने निया को जितना ज्यादा देखा, वो उसे उतनी सुंदर दिखाई दी। उसकी बड़ी और झुकी हुई आंखें उसे और मासूम बना रही थी। जिराज को वो लड़की इतनी सुंदर लगी कि वो सांस लेना भी भूल गया। तब जिराज ने यह फैसला किया कि अब इस लड़की के साथ रहना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। निया उसे देखकर थोड़ा घबरा रही थी। वो उसे प्यार से देख रहा था। वो थोड़ा पीछे हुई, लेकिन वो उसके करीब जा रहा था। वो घबराती हुई बोली, मैं ठीक हूं, मेरा नाम निया है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। मेरा नाम जिराज है, मैं एक तेंदुआ हूं। फिर वो दुबक कर बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है, जैसे वो उसे ध्यान से देख रहा हो। निया का चेहरा लाल हो जाता है। वो एक दिलफेक आशिक की तरह हरकतें कर रहा था। जिराज निया के पास आता है और पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम कौन सी नस्ल की हो? तुम्हारे साथ के लोग कहां हैं? निया थोड़ी शांत होती है
उसे अभी भी नहीं पता कि वो कहां थी। आखिरी चीज जो उसे याद थी कि वो माउंटेन ट्रैकिंग करते हुए नीचे गिर गई थी और इतनी ऊंचाई से गिरकर कोई भी इंसान नहीं बच सकता था। वो समझ गई कि शायद वो दूसरी दुनिया में आ गई थी, क्योंकि उसने गर्म कपड़े और जैकेट पहने थे और जब वो गिरी थी तब वो एक बर्फीले पहाड़ पर थी, पर इस जंगल का मौसम ही उस मौसम से काफी बदला हुआ था। उस आदमी की बातों से पक्का हो गया था कि ये दुनिया एक अलग दुनिया थी, क्योंकि उसकी दुनिया में कोई इंसान तेंदुआ नहीं बन जाता है। उसे अब पता करना था कि इस जंगल के नियम क्या हैं और जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। निया मूर्ख नहीं थी। जो भी जिराज ने कहा उसके अकॉर्डिंग यहां के सभी लोग एनिमल्स होंगे जो इंसान में बदल सकते हैं, तो वो भी इसे एक जानवर ही समझेगा। सब कुछ समझने के बाद निया ने शांत रहने का सोचा और फिर बोली, सोचो। जिराज ने उस लड़की की सुंदरता को देखा और फिर बोला, लोमड़ी। निया जिराज को देखने लगी और कुछ नहीं बोली। मोर। जिराज को कुछ और जवाब नहीं मिल रहे थे तो वो तुक्का मारने लगा। निया की आंखें चमकी और वो जोर से बोली, बंदर। मैं एक बंदर हूं। निया ने सोचा, इंसान बंदर से ही बने हैं तो खुद को बंदर बताना ही शायद बचने का सही रास्ता था। जिराज अपनी आंखें घुमाता हुआ बोला, तुम एक बंदर हो? जिराज ने कुछ देर सोचा और फिर पूछा, तुम अकेले जंगल में क्यों आई हो? जंगल तुम जैसी लड़कियों के लिए बहुत ही खतरनाक है। निया ने बोलने से पहले आंखें फेर ली, फिर बोली, मैं अपने लोगों से दूर टहलने निकली थी तो अकेले यहां पहुंच गई, फिर मेरे पीछे भेड़िए लग गए। वैसे ये कौन सी जगह है? जिराज अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराता है। निया डरते हुए पूछती है, क्या हूं? तब जिराज ने बड़े फक्र से कहा, मैंने तुम्हें ढूंढा है इसलिए अब तुम मेरी हो।